हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑटोटेक इन्फो। मैं हूं आदित्य और आज अपने पास 2024 की लेटेस्ट यामाहा MT-15 का स्टैंडर्ड वाला वेरिएंट आज अपने पास, यानी कि एक तरीके से इसको आप इसका स्टार्टिंग यानी कि बेस वेरिएंट भी आप कह सकते हो। तो आज की वीडियो हम लोग ये जानने वाले हैं कि स्टैंडर्ड वेरिएंट के अंदर में आपको क्या कुछ फीचर्स मिलते हैं और MT-15 की क्या आपको माइलेज मिलेगी, क्या स्पेसिफिकेशंस मिलती हैं, क्या प्राइसिंग रहने वाली है इस वेरिएंट की। तो आज की वीडियो में इस बाइक को लेकर सारे डाउट आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहें। और अभी तक आपने हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप इसके फ्रंट के लुक को चेकआउट कर सकते हैं। बात कर लीजिए अगर इसमें आपको मल्टीपल कलर्स मिल जाते हैं MT-15 के अंदर में, ये स्टैंडर्ड मॉडल है तो इसके मुकाबले में आपको थोड़े बहुत इसमें डिफरेंस मिलते हैं। जैसा कि आप अगर चेक करोगे, आपने भी देख के अंदाजा लगा लिया होगा, यहाँ पर आपको डीलक्स वाले मॉडल के मुकाबले में जिसमें टर्न इंडिकेटर आपको मिलेंगे, ये आपको हेलोजन बेस्ड यहाँ पर मिलते हैं, एक आपको ये चेंजेस मिलते हैं। उसी के साथ ही साथ यहाँ से अगर आप चेक करो तो आपको इसमें ब्लैक कलर के अलॉय व्हील का डिज़ाइन मिलता है, जो कि उसमें आपको थोड़ा ऑरेंज कलर का मिलता है, वो आपको यहाँ पर डीलक्स वाले मॉडल के मुकाबले में ये आपको चेंजेस मिलते हैं। तो सबसे पहले इग्निशन आप ऑन करोगे जैसे ही, तो यहाँ पर जो इसकी आपको फ्रंट में ट्रांसफॉर्मर से डिज़ाइन मिलती है हेड की, आप देख सकते हो, जो कि काफ़ी ज़्यादा बल्की और काफ़ी ज़्यादा यूनिक सी लगती है। जैसे आप इग्निशन ऑन करते हो तो यहाँ पर जिसकी DRL है, डेट टाइम रनिंग वाली, ये अपनी ऑन हो जाती है। फ्रंट में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है प्रोजेक्टर LED हेडलाइट का सेटअप, जिसका थ्रू आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। यहाँ पर मिड में आपको मिल जाता है, ये देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और काफ़ी अग्रेसिव सी डिज़ाइन इसके ऊपर में निकल के आती है। बाकी नव जो लगाने का ऑप्शन है, यहाँ पर आपको फाइबर मेटल बॉडी के अंदर में मिल जाएगा, जो कि आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पर फिट एंड फिनिश आपको मिल जाएगी। बाकी यहाँ से आप साइड में का भी पैटर्न इसका चेक कर सकते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा शानदार लगता है। फ्रंट की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं गोल्डन कलर के USD सस्पेंशन, जिनका सेटअप आपको काफ़ी अच्छा मिलता है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको ये देते हैं। बाकी ये गोल्डन कलर के साथ है तो ये ब्लैक के साथ में गोल्डन जो दे रखा है, ये काफ़ी ज़्यादा मैच करता है और देखने में भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगता है। मडगार्ड की तरफ चलते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड और काफ़ी अच्छा तरीके का मडगार्ड मिल जाता है, जो कि ग्लॉसी फिनिशिंग में रहने वाला है। उसी के साथ ही साथ ये फाइबर बॉडी के अंदर में, लेकिन इसकी फिट एंड फिश आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी। जैसा अगर आप चेक करो तो ऐसा नहीं कि मतलब ये कहीं से हिल रहा हो, कहीं कुछ हो रहा हो, फिट एंड फिश आपको यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त इसके देखने को मिल जाती है, फायर बॉडी के अंदर में आपको मिलेगा। साइड वाइज अगर आप प्रोफाइल चेक करो बाइक के पहले, तो आपको कुछ ऐसी प्रोफाइल मिल जाती है इसकी। फ्रंट में इस बाइक के अंदर में आपको देखने को मिल जाती है 282 mm की डिस्क 282 mm की विथ डबल चैनल ABS आता है इस बाइक के अंदर में। यहाँ पर आप चेक करो तो कुछ ऐसी प्रोफाइल है। इंजन काउल आप देख सकते हो फाइबर बॉडी के अंदर में आपको मिल जाता है। इसकी टायर सेक्शन की बात करते हैं अगर हम लोग कि क्या आपको साइज मिलने वाला है टायर का इसके अंदर में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है इसमें 100x80 सेक्शन का टायर आपको फ्रंट में मिल जाता है विद 17 inches के अलॉय व्हील के साथ में। और अलॉय व्हील भी जैसा कि मैंने बताया डीलक्स मॉडल के मुकाबले में यहाँ पर आपको ये ब्लैक कलर के अलॉय व्हील देखने को मिल रहे हैं। डीलक्स मॉडल में आपको ऑरेंज टाइप का कलर जो आता है उसका आपको देखने को मिलता है अलॉय व्हील, ये आपको डिफरेंस मिलता है। यहाँ पर आपको रेडिएटर मिल जाता है इसका। यहाँ पर आपको इंजन के बारे में जब बात आएगी बताऊंगा अभी आपको। इस तरफ अगर आप चेक करते हो तो यहाँ पर आपको वेंट मिल जाती है, जाली टाइप की डिज़ाइन मिल जाती है। यहाँ पर आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं ग्रे कलर के, जो कि आप देख सकते हो। उसी के साथ ही साथ अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको यामाहा का लोगो मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ में है। और ये टैंक जो है काफ़ी अग्रेसिव लगता है, थोड़ा सा नेकेड डिज़ाइन का है, फायर बॉडी का ही है, लेकिन ये ग्लॉसी ब्लैक है। और अगर आप जूम करके इसको थोड़ा पास से अगर देख रहे होगे तो ये थोड़ा सा स्पार्कल टाइप का कलर है, ये थोड़ा सा चमकीला टाइप नहीं होता है कि जैसे कि लाइट जब पड़ेगी तो ये थोड़ा सा शाइन वगैरह करता है काफ़ी अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्लैक फाइबर मिल जाता है। इस तरफ आपको MT की बैजिंग और ये सब आपको यहाँ पर फाइबर का यूज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ पर आपको सब देखने को मिल जाता है। रियर ब्रेक का पैड आप देख सकते हैं कोई भी किक नहीं मिलती है, यामाहा की बैजिंग मिल जाती है। और ड्राइवर जो फुटरेस्ट जो है ये आपको थोड़े से ऊपर और पीछे की तरफ मिलेंगे, पिलियन वाले भी आप देख सकते हो। बाकी अगर आप चेक करते हैं यहाँ पर तो आपको कार्बन फाइबर के स्टिकर्स मिल जाते हैं। इस तरफ आपको फायर बॉडी मिल जाती है, यहाँ पर आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है। और एग्जॉस्ट अगर आप चेक करोगे यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा आपको मस्कुलर सा लगता है देखने में। और जो फुटपैक्स की जैसा कि मैं बता रहा हूँ प्लेसमेंट दे रखी है, थोड़ी सी आपको अपराइट मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा इसको मतलब एक तरीके से नेकेड स्पोर्टी बाइक है, तो एक तरीके से उस तरीके की आपको यहाँ पर फीलिंग मिल जाती है। अगर आप इस तरफ आओगे तो यहाँ पर आपको यामाहा का स्टीकर मिल जाता है, पाइप टाइप की ग्रैबलेट मिल जाती है, जिसको पीलियन पकड़ के मतलब इतना कंफर्टेबल तो नहीं बैठ पाएंगे, लेकिन ये है कि थोड़ा सा पकड़ने के लिए एक तरीके से ये दे दिया गया है। उसी के साथ ही साथ टेल सेक्शन आप चेक करो तो आपको LED बेस्ड टेल लाइट आपको मिल जाती है, यही हेलोजन बेस्ड इंडिकेटर मिलते हैं। और जिसका मडगार्ड रियर का ये थोड़ा आपको पीछे की तरफ मिलता है और ये मेटल बॉडी के कारण मतलब काफ़ी मजबूत है। ये केवल आपको ये साइड बाय साइड फाइबर मिलती है, लेकिन ये बीच में मेटल होने के कारण मतलब ये नहीं कह सकते ये टूट जाए कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं मिलेगा। यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं, साइड बाय साइड आपको रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, मडगार्ड टायर हगर सब आपको यहाँ पर मिलेगा। उसी के साथ ही साथ अगर आप चेक करो तो यहाँ पर आपको मड फ्लैप भी देखने को एक बड़ा सा मिल जाता है। रियर इस बाइक के अंदर में आपको लिंक टाइप मोनोक्रॉस सस्पेंशन का सेटअप मिलता है, येलो कलर के हैं, जो कि देखने में काफ़ी शानदार लगते हैं।
रियर में आपको 220 mm की डिस्क देखने को मिलती है, और टायर सेक्शन के बारे में बात करते हैं रियर के, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 140x70 सेक्शन का टायर विद 17 इंचेस के लेवल के साथ में, 140 सेक्शन का टायर है, काफ़ी मोटा टायर आपको मिल जाता है जिससे आप कॉर्नरिंग ग्रिपिंग काफ़ी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि इस बाइक की परफॉर्मेंस अपने सेगमेंट के अंदर में काफ़ी अच्छी आपको मिल जाती है, तो काफ़ी सही है। साथ ही साथ सिंगल सीट का सेटअप आप यहाँ पर देखने को मिल जाता है, यहाँ पर एक स्ट्रिप मिल जाती है। पीलन का जो मतलब कंफर्ट अगर आप चेक करोगे इस तरफ से आके, तो पीलन के लिए आपको स्पेस बहुत ही कम मिलता है, आप अगर देखो तो कुछ इतना केवल आपको स्पेस मिल रहा है, और ड्राइवर जो मतलब राइड करेगा बाइक को तो उसके लिए आपको स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है, आराम से बैठ जाएगा, लेकिन पीलन के आप अगर चेक करो तो आपको सिर्फ इतनी सी सीट मिलती है, तो ये थोड़ा सा इसमें आपको दिक्कत देखने को मिल जाती है। बाकी इसमें आपको 6-speed गियरबॉक्स सिस्टम मिल जाता है, साइड स्टैंडिंग कट ऑफ मिल जाता है आपको, और ओपन सेंसर कवर मिलता है मेटल के साड़ी गार्ड के साथ में। अब बात करते हैं इसके मीटर कंट्रोल के बारे में, उससे पहले मैं आपको की दिखा दूं, तो यहाँ पर आपको नॉर्मल सी की मिल जाती है, कोई भी वेब कीज वगैरह यहाँ पर नहीं मिलती है आपको, और इस तरफ अगर आप चेक करो तो यामाहा की बैजिंग वगैरह भी प्रॉपर वे में मिल जाती है। बार हैंडल आपको ब्लैक कलर की मिल जाती है जिसकी फिट एंड फिनिश आप देख सकते हो, और ये थोड़ा सा ग्लॉसी कलर आपको मिलने वाला है इसके अंदर में। स्विचेस के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है हाई बीम लो बीम पासिंग का स्विच, हॉर्न, इस तरफ आपको टर्न इंडिकेटर, और यहाँ पर अगर आप चेक करो तो आपको सिल्वर फिनिशिंग मिल जाती है 12 inch ऊपर में। क्लच लीवर्स का काफ़ी ज़्यादा आपको लाइट मिलता है, और ये ब्लैक फिनिशिंग में आपको मिलेगा। इस तरफ इंजन की शेल्फ, एक्सीलेटर, फ्रंट ब्रेक का लीवर और साइड मिरर का पैटर्न आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। मीटर कंसोल को मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपको फुल डिजिटल मीटर कंसोल मिलता है इसके स्टैंडर्ड वेरियंट में भी, जो कि आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको बड़े बड़े अक्षरों में स्पीडोमीटर मिल जाएगा, आरपीएम मीटर मिल जाता है, इस तरह आपको फ्यूल गेज की लाइट मिल जाती है, गियर पोजिशन इंडिकेटर मिल जाता है, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ एक बात मैं अगर आपको बताऊं और कि यहाँ से अगर आप चेक करोगे इस तरफ तो आपको कॉल, एसएमएस, अलर्ट वाले सारे आपको फीचर मिल जाते हैं ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाले, और अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको इसमें TCS भी मिल जाता है, यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल, इंजन की आपको मिल जाता है, ABS की लाइट, पासिंग की लाइट आप देख सकते हो, बाकी टर्न इंडिकेटर वगैरह यहाँ पर आपको इस तरफ देखने को मिल जाता है। फीचर्स में कोई आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं मिलते, टर्न इंडिकेटर वगैरह का थोड़ा डिफरेंस है, बाकी आप मीटर कंसोल इसका देख सकते हो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका मीटर कंसोल, और कुछ ये यहाँ से भी लुक इसकी निकल के कुछ ऐसी आती है। इंजन के बारे में बात करते हैं अब इस बाइक के, कि कैसा यहाँ पर आपको इंजन मिलता है, जहाँ से आपको इस बाइक के परफॉर्मेंस के बारे में आइडिया लगेगा, तो यहाँ पर आपको इधर आपको देखने को मिल जाता है 155cc का लिक्विड कूल 4-stroke 4-valve SOHC इंजन, जो कि आपको 18.4 PS की मैक्सिमम पावर दे सके देने वाला है 10,000 RPM पर, बाकी 14.1 Nm का टॉर्क यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है 8,500 RPM पर। बाइक का आपको पावर फिगर इस सेगमेंट में 155cc के सेगमेंट में सबसे अच्छा आपको देखने को मिल जाता है इसका पावर फिगर। उसी के साथ ही साथ लुक्स आपको बाइक की कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, और स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर भी आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जा रहा है। उसी के साथ ही साथ अब बात करते हैं इसके सीट हाइट के बारे में, उससे पहले आप चेक करो तो आपको यहाँ पर 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है, 810 mm की सीट हाइट मिल जाती है, और 10 L की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है, तो ओवरऑल कुछ आपको मिलता है। प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं उसके बाद, ये जानेंगे कहाँ से आप आके इसको परचेज वगैरह कर सकते हैं। तो यामाहा MT-15 वर्जन 2.0 के ये मतलब जो अपना स्टैंडर्ड वेरिएंट आता है, यानी कि एक तरीके से आप बेस वेरिएंट कह सकते हो, इसका प्राइस आपको देखने को मिलेगा लगभग 2 lakh rupees के अप्रॉक्स में आपको ये बाइक देखने को मिल जाती है ऑन रोड कानपुर में, और जो इससे मतलब डीलक्स वाला वेरिएंट आता है उसकी प्राइस लगभग आपको देखने को मिलती है 2,08,000 rupees, यानी कि 2,08,000 rupees। तो देखा जाए लगभग आपको 8,000 rupees का डिफरेंस देखने को मिलता है डीलक्स मॉडल से स्टैंडर्ड के अंदर में। तो यही ओवरऑल आपको फीचर्स मिलते हैं। तो अगर आपको यामाहा MT-15 का कोई भी मॉडल परचेज करना है, या फिर यामाहा की लाइन में किसी बाइक को अगर आपको परचेज करना है, तो आप विजिट कर सकते हैं नटराज यामाहा, जिसका पूरा एड्रेस आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप यहां से आके यामाहा की लाइन में किसी बाइक को परचेज वगैरह कर सकते हैं। सो दोस्तों कुछ यही इसको ओवरऑल वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल ऑटोटेक इन्फो को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।